26 फरवरी को अयोध्या विवाद पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी। 26 फरवरी से श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई शुरू होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 फरवरी से अयोध्या विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई 26 फरवरी से शुरू करेगी। तो एक बार फिर से उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से टिकी हुई हैं। जी मीडिया संवाददाता सुमित कुमार जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, 26 फरवरी से सुनवाई शुरू होने जा रही है, कितनी अहम ये सुनवाई रहेगी? चूंकि हर बार उम्मीदें लगाई जाती हैं लेकिन हर बार सुनवाई टलती है, जिसके बाद निराशा होती है लोगों को। जी बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी किया है और ये तय किया है कि 26 फरवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू करेगी। जो बेंच की अध्यक्षता है वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे। इसके अलावा बेंच में जो है दूसरे सबसे वरिष्ठतम जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो रहेंगे, एसए बोबडे। तीसरे जो वरिष्ठ जज हैं वो डीवाई चंद्रचूर हैं। उसके अलावा अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। यानी कि अशोक भूषण और अब्दुल नजीर जो जज हैं वो वही जज हैं जो पुराने केस में, यानी कि इससे पहले जो है जस्टिस तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ इस मामले की सुनवाई करते आ रहे हैं। यानी कि दोनों जजों को इसमें शामिल किया गया है। इस लिहाज से सुनवाई जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई जो है एक बार फिर से शुरू करेगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है जो सुनवाई जो टलने की जो परंपरा है वो एक बार रुकेगी, क्योंकि लगातार जो विवाद उठ रहा था कि जो जज हैं मुस्लिम जज को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन तमाम जो विकल्प थे, तमाम जो विरोधाभास थे, उस पर एक तरह से विराम लग गया है। बिल्कुल, और सबको अब यही उम्मीदें हैं कि सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो और कोई नतीजे पर जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अयोध्या मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अंसारी साहब। एक बार फिर से 26 फरवरी की डेट मुकर्रर हुई है जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी, कितनी उम्मीदें हैं आपको अंसारी साहब? % की उम्मीदें हैं, कोर्ट सुनवाई करे, कोर्ट फैसला करे जी। क्योंकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जा रही है। हिंदू पत्रकार भी चाहता है, मुसलमान पत्रकार भी चाहता है कि कोर्ट फैसला करे। कोर्ट फैसला करे, कोर्ट को ही फैसला करना है। हमें इससे राजनीति नहीं करना है, हम कोर्ट से फैसला चाहते हैं कि कोर्ट फैसला कर दे। ये बहुत हिंदुस्तान का एक बहुत अहम मसला है, तो कोर्ट तय कर दे और आसानी से हिंदू और मुसलमान इसको मान ले, हम यही चाहते हैं। बंदरी आप अंसारी साहब हमारे साथ इस वक्त परमहंस दास स्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं फुल लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी यही मैं उम्मीदें आपकी जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बार फिर से 26 फरवरी की डेट सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। उम्मीदें एक बार फिर से पूरे देश को लग गई है। और इस बार जो है हम लोग बिल्कुल पूरा उम्मीद रखते हैं, पालिका जो है जन भावनाओं का आदर करेगी जी। और क्योंकि हिंदू जनमानस जो है तो न्यायपालिका का सदैव सम्मान करता रहा है, इसका प्रमाण यह है कि हम किसी भी जो है तो हिंदू संगठनों में धार्मिक संगठनों का अपना कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं रहा, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने तो अपना पर्सनल लॉ बोर्ड तैयार कर लिया। जब हमारे यहाँ न्यायपालिका है जिनको पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत रही, लेकिन फिर भी अगर भगवान की कृपा से ये कि ऐसा अवसर बन रहा है कि अगर सब लोग जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो है जितने हिंदूवादी संगठन है वो सब चाहते हैं कि कोर्ट से ही फैसला हो और मुस्लिम पत्रकार भी तैयार हैं, तो अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि पूरे पूरे देश के हित में रहेगा और जल्दी हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि स्पष्ट हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है हमारे भारतवासी हैं, हम लोगों में आपस में कहीं भी द्वेष नहीं है, आपस में हम लोग कहीं वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कोर्ट से थोड़ा सा ज्यादा विलंब हो रहा है, इसके लिए हमारे कई पत्रकार मर गए, हमारी कई पीढ़ियां मर गई, कई जज जो है तो स्वर्गवासी हो गए जी। तो थोड़ा हम लोगों को घबराहट जरूर हो रही है, क्योंकि हमारी आस्था का केंद्र जो है अयोध्या और भगवान राम की तरफ से अगर कावा में अगर इस तरह से कोई उथल पुथल हो तो मुसलमानों को कष्ट होगा। उसी तरह से हम लोगों को अयोध्या राम मंदिर को लेकर के हम लोग पीड़ित हैं, हमको कष्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग न्यायपालिका का आदर कर रहे हैं और न्यायपालिका का सम्मान करते रहेंगे। हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है,
और आशा करते हैं कि न्यायपालिका भी इस बात जनभावनाओं का आदर करके निष्पक्ष है। बिल्कुल यही आशाएं जो हैं वो लगाई जा रही हैं। परमहंस दास जी आप बने रहिए हमारे साथ, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रिजवी साहब आपसे भी सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि हर बार देश न्यायपालिका की तरफ इंतजार करता है कि कोई वहां से ठोस फैसला होगा, लेकिन हर बार सुनवाई टल जाती है। 26 फरवरी इस बार डेट है, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए अभी तक पूरा देश न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखता है और हम ये समझते हैं कि जब से इस पे सुनवाई शुरू हुई है पिछले 1.5 साल से, तारीख के ऊपर तारीख ही मिल रही है और जो बाबरी पक्षकार हैं वो सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए इधर उधर की दलीलें लेकर डेट लेकर भागने की कोशिश करते हैं और वही होता रहा है। अब फिर 26 तारीख मिली है, हम सिर्फ अब तो ईश्वर से ही दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब ये तारीख बढ़े ना और ये केस जो है वो उस दिन मेरिट पर शुरू हो जाए। लेकिन इसकी उम्मीद इसलिए हमें कब लगती है कि सिर्फ और सिर्फ बाबरी पक्षकारों की एक रणनीति है कि केस में जितनी देर न्याय आने में लगा दी जाए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर भी वो मौजूदा हुकूमत जो है उस पर भी प्रेशर हम बनाएंगे और निर्णय नहीं आएगा तो राम मंदिर नहीं बन पाएगा, ये उनका एक अपना सोच है। इस सोच के तहत वो सिर्फ ठीक है। रिजवी साहब आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इन आरोपों का जवाब हम ले लेते हैं। इकबाल अंसारी साहब आप सुन रहे हैं वसीम रिजवी साहब का कहना है कि उम्मीदें तो हैं लेकिन निराशा तब होती है जब मुस्लिम पक्षकार बाबरी मस्जिद पक्षकार इस मामले को अटकाने की कोशिश करते हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि हम लोग कोर्ट को भरोसा करते हैं, हमारे पास सबूत है, इस दुनिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद चोरी जा रही थी, दुनिया देख रही थी। हम लटकाने का काम नहीं करते, हम सबूत पेश किए हैं, फैसला कर देना चाहते हैं, रिपोर्ट फैसला कर दे आज कर दे। तरह तरह की बात लोग अपने अपने जो है राज में अपनी अपनी बात लोग रखते रहते हैं, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है, जो कोर्ट से जो है कोर्ट को जो है सबूत चाहिए, कोर्ट से सबूत पेश करो, फैसला आज हो जाएगा। फैसला अगर कोर्ट आज भी फैसला कर दे तो हम मानने के लिए तैयार है। हम लटकाते नहीं है, हम इससे राजनीति नहीं करते। ठीक है वसीम जी, आपने सुन लिया कि साफ तौर पर कहना इकबाल अंसारी साहब का कि वो मामला लटकाते नहीं है और उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि इस पर फैसला जल्द आएगा। करनी में फर्क है, यहाँ पर तो ये कहते हैं कोर्ट का फैसला जल्दी आएगा, लेकिन कोर्ट में जब मेरिट के ऊपर मुकदमा लड़ेंगे नहीं, अभी तक बताइए 1.5 साल से इसकी सुनवाई शुरू हो रही है, बार बार डेट्स लग रही हैं, किसी डेट पर ये नहीं हुआ कि बाबरी का जो है वो मुकदमा शुरू हो गया मेरिट के ऊपर। और ये देर किसकी तरफ से हुई? देर जो है बाबरी जो बाबरी पक्षकार है उन्हीं की तरफ से हुई और वही आज तक बच रहे हैं। ठीक है, अपने अलग अलग तर्क हैं, चूंकि वसीम हमारे साथ इकबाल अंसारी इस वक्त जुड़े हैं, वसीम जी उनका साफ तौर पर कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। परमहंस दास जी के पास हम चल लेते हैं क्योंकि इस बीच कल उन्होंने शिला पूजन भी किया है अयोध्या में। परमहंस दास जी आप दोनों तरफ से तर्क यहां पर सुन रहे हैं, मामले अटकाने के आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो 5 जजों की बेंच है उसमें मुस्लिम जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखिए ऐसा है कि हमने इकबाल भाई साहब को कई बार समझाया कि बाबर जो है एक विदेशी आक्रांता था, आतंकवादी था, देश को लूटने के लिए आया और आतंकवादी विचारधाराओं को यहाँ जो है तो वो जन्म दे करके मरा। इसको हमने कई बार समझाया कि आप जा करके वहाँ जो है तो कंप्रोमाइज कर लीजिए और बताइए कि जिस तरह से हमारा काबा है उसी तरह से हिंदुओं का अयोध्या है, यहाँ बाबरी की कोई जरूरत नहीं है। वसीम रिजवी जैसे मुसलमान जो है वास्तव में जैसे हमारे कलाम साहब हुए उस तरह से हमारे वसीम रिजवी जैसे हमारे देश के आदर्श है, लेकिन ये जैसे इकबाल भाई लोग हैं, देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, सैनिकों पर पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, ये देश में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। इनको मैंने कई बार समझाया कि आप जो है हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा हमारा अनाधिकाल से चला रहा है उसको कायम रखिए, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्यों है। जबकि भारत का 98% मुसलमान चाहता है कि हमारा भाईचारा बना रहा है, लेकिन इकबाल भाई साहब वो 2% कट्टरवादियों में से पता नहीं कैसे यदि घुल मिल गए हैं, वो कहां से फंडिंग मिल रही है, किस लालच में पड़े हुए हैं,
इस समय पूरा देश आतंकवाद से त्रस्त है और आतंकवादी बाबर के नाम की बाबरी की यहाँ हिंदुस्तान में क्या जरूरत है। मैंने कई बार इनको समझाया लेकिन पता नहीं कब समझे। परमहंस दास जी, लेकिन इकबाल अंसारी तो समय समय पर कहते रहे हैं कि भाईचारा बना रहे मुस्लिम और हिंदू का, और अयोध्या में जो बाहर से लोग आते हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं राम मंदिर के नाम पर, तब क्या अयोध्या का माहौल जो है वो एकदम सद्भावपूर्ण है? अगर इकबाल भाई साहब कोर्ट में जाकर के कह दें कि अयोध्या में बाबर का कोई जरूरत नहीं, वहां केवल राम जन्मभूमि और राम मंदिर बनेगा, तो पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश जाएगा जो अद्भुत और अलौकिक होगा और पूरे मुस्लिम समुदाय का नाक ऊंचा हो जाएगा। जैसा कि हमारे अभी बसीम रिजी भाई कह रहे थे, जैसे हम लोग आज जो है कलाम साहब को याद करते हैं वैसे इनको भी याद करेंगे। लेकिन अगर ये आगे तो आए पहले इकबाल अंसारी साहब, सुन रहे हैं आप? हम प्रभंस जी को सुन रहे हैं। प्रभंस जी की बात जो है, ये नए नए साधु हो गए हैं, 2 साल हुआ इनका नाम जो है प्रभंस रख दिया गया है। ये हमारे माननीय योगी जी की सरकार को इतना टॉर्चर करते हैं, सोचिए क्या क्या जो है कह सकते हैं। जब मौजूदा सरकार भी ये परेशान करते हैं कि सरकार इसको फटा फटा के ले जाती है, जेल में डालती है, कहीं ये आतंकवादी, कहीं अकर्मता, कहीं बाबरी, तरह तरह की ये जो है अपना जो है हाईलाइट होने के लिए ऐसी बातें किया करते हैं। उनके जवाब है, आप उसका जवाब दीजिए। आप अगर इस तरह से किसी को अपमानित करके बात करेंगे, आप परमहंस जी के बारे में इस तरह के अपशब्द नहीं बोल सकते, ये आपको अधिकार नहीं है। हम ये अधिकार हम साफ कहते हैं, आज भी कह रहे हैं आपके। आप अपना तर्क दे के बात कीजिए, आप तर्क दीजिए, आप जो आपसे बात होती है कही, आप उसका जवाब दीजिए। आपको आप कहते हो कि अयोध्या में सब मिलके रह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दीजिए ना कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आप परमहंस जी के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपको बुलाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर भी जो है इन बातों से इकबाल अंसारी साहब, इन बातों से कोई फायदा नहीं है कि आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए। जो आपकी मर्जी के खिलाफ बोले आप उसको गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाकर आप उसको दलील करने की कोशिश करें, तर्क के ऊपर बात न करें, आप मुद्दे के ऊपर बात न करें, मुद्दे से हट के आप परमहंस को कहिए, हमको कहिए, आप इन बातों से, ये जाती बातों से आपको कोई हल नहीं निकलने वाला। इश्यूज के ऊपर बात कीजिए, न इनके साथ में कोई शामिल है। बात करना हो तो बात करिए, किसी को अपमान करके आप बात नहीं कर सकते। हम तो उन जो है संतों का सम्मान करते हैं, पूरे अयोध्या का संत समाज का हम सम्मान करते हैं। ठीक है अंसारी साहब, लेकिन समय समय पर बयानबाजी होती है, अब मामला कोर्ट में है, 26 फरवरी को अयोध्या विवाद पर सुनवाई होगी, तभी देखना होगा कि क्या कुछ हल निकलता है इस पूरे मामले का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।